Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 मिनट वॉक एट होम वर्कआउट, जिससे लगभग आप 5 किलोमीटर अपने घर में चलने वाले हैं एंड यू आर गोना बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज और आप बहुत ही अच्छी हेल्थ एंड फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं. जस्ट 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ वॉकिंग. पहला है एक ही जगह पर खड़े होकर वॉक करना. देन सेकेंड वन इज दिस साइड स्टेप्स. आपको अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर तक लेकर के जाना है. देन अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर तक लेकर के जाना है. शूज पहन के कीजिएगा वर्कआउट. बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. पेस भी आप अच्छे से पकड़ पाते हैं जब अपने शूज पहने होते हैं. पहले जब मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो पेस जो है वो कम रहेगी. पहले हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए. वार्म अप करने के बाद में हम स्पीड को बढ़ाएंगे एंड लास्ट में वर्कआउट पूरा एंड तक कीजिएगा ताकि आप कूल डाउन भी ज़रूर करें. कोई भी वर्कआउट बिना वार्म अप और कूल डाउन रूटीन के इनकम्प्लीट होता है. बैक टू वॉकिंग. हर बेसिक स्टेप को करने के बाद में हमें फिर से वॉक करनी है. उसी जगह पर खड़े हो जाएं एंड वॉक करने लग जाएं. मूव योर आर्म्स, मूव योर लेग्स. बहुत ही सिंपल सी रूटीन है वॉकिंग की. बहुत ही इजी है इसको करना. कोई भी कर सकता है. दिस वर्कआउट इज़ टोटली परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड आप फिट हो जाते हैं. आपकी फिटनेस रूटीन मेंटेन हो जाती है. नाउ हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है किक. सो आपको जस्ट बीट एनी लेग, राइट हो लेफ्ट हो. मैं प्रेफर करती हूँ राइट से स्टार्ट करना. आपको जस्ट हल्का सा आगे की तरफ में किक करना है. कीप इट स्लो राइट नाउ बिकॉज अभी हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं. जस्ट किक. आप अपना गोल वेट अचीव कर सकते हैं वाइल डूइंग दिस वर्कआउट बिकॉज इसमें आपकी वॉक हो रही है, कार्डियो हो रही है. 20 मिनट्स आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली है, एक्टिव रहने वाली है. आपकी हार्ट अच्छे से बीट होगा आपका हार्ट. एंड नाउ बैक टू वॉकिंग. और पूरा का पूरा स्वेट आ जाएगा आपको व्हेन यू विल रीच एट द एंड ऑफ दिस वर्कआउट. आप चाहें तो दिन में दो बार इस वर्कआउट को कर सकते हैं. इन एनी केस, इफ इन केस यू वांट टू लूज वेट, मैं रिकमेंड करूंगी आप रोज़ाना इस वर्कआउट को करें या फिर एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ वीक आप ज़रूर इस वर्कआउट को करें. इसके साथ ही में अच्छी डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे चैनल पर बहुत सारी डाइट रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं. नाउ हम आएंगे अपने फोर्थ स्टेप पर जो कि है हमें अपनी नी को लिफ्ट करना है. सो नीज अप लाइक दिस. राइट नी अप करें, देन लेफ्ट नी को अप करें, देन राइट नी को, देन लेफ्ट नी को. स्लोली स्लोली हमें नीज को अप करना है. एंड वाइल ऑल द एक्सरसाइज रूटीन मेक श्योर कि आपका पॉस्चर करेक्ट होना चाहिए है. यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट. आप बिल्कुल सीधे खड़े होंगे एंड आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए है ऑल द टाइम. आप कमर पर हाथ रख सकते हैं फॉर द सपोर्ट इन स्टार्टिंग. एंड आप अच्छे से अपने नीज को लिफ्ट करें. आपको अपने नी को रेज करना है. और ये जो 4 बेसिक स्टेप्स अभी मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं को मद्देनज़र रखकर हम लोग आगे अपना वर्कआउट रूटीन को करने वाले हैं. इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाएंगे. तो नाउ बैक टू वॉकिंग. फिर से अब मैं वॉक करने आ गई हूँ. नाउ गाइज बकअप. थोड़ा सा आप पेस को बढ़ा सकते हैं इस टाइम पर. थोड़ा सा आर्म्स को मूव ज़्यादा करेंगे. और अब आपको वॉक करना है टू फ्रंट एंड टू बैक. कैमरा एंगल की वजह से मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ. अदरवाइज यू हैव टू गो इन फ्रंट एंड देन आपको जाना है पीछे की तरफ. दो स्टेप्स लेने हैं एंड एकदम से वापस आकर के दो स्टेप्स आपको पीछे की तरफ से लेने हैं. जो हमारी नॉर्मल वॉकिंग होती है उसमें हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसमें नॉर्मल सिर्फ सीधा सीधा वॉक करते हैं. हमारे बैक मसल्स उसमें उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं. इस तरह से वॉक करने की वजह से आपके बैक मसल्स भी एक्टिव हो जाएंगे एंड आपको बहुत अच्छे से एक वर्कआउट रूटीन मिलने वाली है. आपकी बैक भी स्लिम होगी, कमर की शेप बहुत अच्छे से आएगी. आपकी लेग्स मूव कर रही हैं अच्छे से, आपकी कमर पर जोर पड़ रहा है. फुल बॉडी की आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं. आपका एनर्जी लेवल इस टाइम पर हाई जा रहा है. जस्ट कीप ऑन गोइंग, करते जाइए. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वर्कआउट रूटीन कि आपको रुकना नहीं है, करते जाना है. इट इज़ वेरी ईजी. जस्ट मेन थिंग इज दिस कि करते जाना है. नाउ बैक टू वॉकिंग. कहीं पर भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है या कुछ भी है, तो आप वॉक करने लग जाइए. सिंपल सा यही वाला एक जगह पर खड़े होकर के वॉक इन प्लेस आपको करना है. उस टाइम पर आप बस वॉक करते जाएं. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
करते जाइए, रुकना नहीं है. इट इज ऑल अबाउट लाइक गोइंग ऑन, गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए. आप अपनी हेल्थ को आज टाइम दे रहे हैं, आप मेरे साथ ये वर्कआउट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई एम श्योर वन डे यू विल थैंक मी फॉर श्योर. एक महीना आप ये वर्कआउट करके देख लीजिए, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे. एंड अब वापस से मैं कर रही हूँ साइड स्टेप्स. इस बार साइड स्टेप्स में मैंने ये चेंज किया है कि थोड़ा सा मैं लेग्स को वाइड ओपन खोल रही हूँ. अच्छे से हम लेग्स को ओपन करेंगे तो और भी ज़्यादा मसल्स हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे. ज़रा सा आप सिट लो भी कर सकते हैं, लाइक ज़रा सा नीचे को झुक जाइए, बैठ जाइए, तो आपके जो थाई के मसल्स हैं वो सब भी अच्छे से एंगेज हो जाएंगे एंड और ज़्यादा आपका इंटेंस हो जाएगा वर्कआउट अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो. साइड स्टेप्स करने के बाद नाउ आई एम बैक टू वॉकिंग. सिंपल बेसिक स्टेप्स, वेरी वेरी इजी, कोई भी कर सकता है. इट इज़ वेरी इजी ऑन योर नीज, इट इज़ वेरी इजी ऑन योर शोल्डर्स, ऑन योर बैक एंड ऑल ओवर योर बॉडी. आपको बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ने वाला है इस वर्कआउट की वजह से. इट इज़ लाइक रियली रियली इफेक्टिव. इन एनी केस आप फिटनेस ट्रेनर की गाइडेंस में अपने वर्कआउट को कर सकते हैं. आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर. दिस इज़ द वर्कआउट विच आई पर्सनली डू, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइज बिकॉज मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे. नाउ हमें करना है लेग को रेज, लाइक हमें किक करना है आगे की तरफ, बट दिस टाइम आपको किक करना है हायर. आपको ऑलमोस्ट अपने वेस्ट लेवल तक अपनी लेग को लेकर के आना है. बिल्कुल सीधे सीधे आपने अपनी लेग को आगे लाना है, देन वापस लेके जाना है. एंड अपोजिट हैंड से आप अपनी लेग को टच करेंगे साथ के साथ में. इससे क्या होगा कि आपके ऑब्लीक मसल्स, वेस्ट के साइड मसल्स भी एंगेज हो जाएंगे. आपकी लोअर एब्स के वर्कआउट तो हो ही रहा था जब आप लेग को रेज कर रहे थे, किक कर रहे थे, लेकिन इस तरह से जब आप हाथ को टच कर रहे हैं अपोजिट लेग पर, तो इससे आपके ऑब्लीक, साइड, वेस्ट के मसल्स एंगेज हो गए हैं. साथ ही में आपकी बैक मसल्स एंगेज हो गई हैं. आपके आर्म्स का भी वर्कआउट यहाँ पर हो रहा है. जस्ट विद वेरी बेसिक स्टेप्स एंड थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर बॉडी, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना वर्कआउट कर सकते हैं. आप बहुत अच्छी बॉडी शेप को अचीव कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वर्कआउट रोज़ाना करें. ज़रूरी ये होता है कि हम रोज़ाना वर्कआउट करें, हम कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करें. बेशक हम हफ्ते में 4 दिन कर रहे हैं, बट हमें वर्कआउट को रेगुलर करना है, हमें वर्कआउट को लाइफ टाइम करना है. रुकना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि 1 महीना किया, 2 महीना किया, अंदर छोड़ दिया. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. लाइफ टाइम करना है. नाउ लिफ्ट अप योर नी, नीज को लिफ्ट करना है आपको. राइट नी अप, लेफ्ट नी अप एंड अपोजिट हैंड को आपको अपनी नी पर टच करना है. अगेन इससे क्या होगा, आपने अपने लोअर एब्स के साथ में, एब्स के साथ में अपने साइड के वेस्ट के मसल्स को, ऑब्लिक्स को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया है एंड आपकी फुल बॉडी का वर्कआउट इस टाइम पर हो रहा है. कम ऑन गाइज, डू इट. रुकना नहीं है, करते जाइए. इट्स रियली रियली ईजी, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डू इट. करते जाइए एंड जहाँ पर आपको लगे बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ रही है, थकान हो रही है, गला सूख रहा है, जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड कंटिन्यू अगेन. जस्ट एक घूंट पानी का पीना है, बहुत ज़्यादा पानी भी हमें बीच में नहीं पीना हुआ होता है. नाउ बैक टू वॉकिंग. वॉक करते जाइए, करते जाइए, वॉक 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 करते जाइए, वॉक करते जाइए. एंड जहाँ पर भी कोई भी आपको मूवमेंट डिफिकल्ट लगे, कोई भी वर्कआउट का चीज़ उसमें आपको डिफिकल्ट लगे, वहाँ पर यू कैन सिंपली गो बैक टू वॉकिंग. आप वॉक करते जाएं. नाउ अगेन 2 स्टेप्स आगे चलना है, 2 स्टेप्स पीछे चलना है. एड अ क्लैप व्हेन यू रीच द पॉइंट इन फ्रंट और व्हेन यू रीच द पॉइंट एट द बैक. जस्ट एन्जॉय द वॉक. एंड इससे क्या हो गया, क्लैप करके आपके हैंड की मूवमेंट भी एक तो इन्वॉल्व हो रही है, थोड़ा आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से बन रहा है वर्कआउट में, आपका बैलेंस अच्छे से अचीव हो रहा है इस टाइम पे, आपकी पेस अच्छे से बन रही है, साथ ही में आपकी बॉडी अच्छे से पूरी तरह से एंगेज हो गई है. आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी बॉडी के मूवमेंट्स में होगा तो आपको वर्कआउट के रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेंगे. जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम को हम पूरा दिल से कर रहे हैं, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, तो वो काम, वो वर्कआउट हमें और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है. तो पूरा ध्यान किस में होना चाहिए इस टाइम, आपके वर्कआउट में होना चाहिए है कम्प्लीटली. एंड नाउ बैक टू सिंपल वॉकिंग. गाइज, इस 20 मिनट्स की वीडियो के साथ में मेरे साथ इस वर्कआउट को करते करते डेफिनेटली आप 4 से 5 किलोमीटर चलने वाले हैं आज. एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग गाइज. आपके सारे के सारे मसल्स एक्टिव हो जाने वाले हैं. एंड नाउ
बैक टू साइड स्टेप्स, पहले साइड स्टेप्स करें आप जरा सा, थोड़ा सा आपकी बॉडी बैलेंस में अब आ गई है। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, हम डबल साइड स्टेप्स कर रहे हैं। तो एक साइड स्टेप लिया, देन हमने उसको राइट साइड में और फॉरवर्ड कर दिया, तो वो सेकेंड साइड स्टेप हो गया हमारा। इस तरह से हम डबल साइड स्टेप्स कर रहे हैं। एंड जो हमारी नॉर्मल बाहर हम जो वॉक करते हैं उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं होती है कि हमारे साइड के मसल्स भी एंगेज हो, वहाँ पे हम सिर्फ सीधा चलते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में, वर्कआउट में, आपके बैक मसल्स मैंने एंगेज करवाए हैं, आपके साइड के मसल्स हमने एंगेज करवा दिए हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का बहुत ही अच्छे से वर्कआउट हो रहा है। आप पेस में चल रहे हैं, आप कॉन्टीन्यूसली, आपकी बॉडी एक्टिव है, हीटअप हो रही है, बॉडी वार्मअप हो रही है बहुत अच्छे से, आपकी कॉन्टीन्यूसली कैलोरीज बर्न हो रही हैं, यू आर गोना लूज योर फैट अच्छे से। एंड आई नो मैं उतनी ज़्यादा स्लिम एंड फिट नहीं हूँ, बाकी वर्कआउट वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो आई नो दैट कम्प्लीटली। आई एम ऑन माई फिटनेस जर्नी ओनली, अभी आई विल टेक टाइम टू रीच माई गोल, अभी इट विल टेक टाइम, मुझे 6 महीने लग जाएंगे, बट बिकॉज आप लोग बार बार बोल रहे थे कि हम आपका वर्कआउट देखना चाहते हैं, सो आई थॉट वाई नॉट आप लोगों की हेल्प कर दूँ, एंड आप भी मेरे साथ साथ मेरी वेट लॉस जर्नी में मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ जाएँ। एंड जैसा कि मैंने बताया, मेरी डाइट रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर बहुत सारी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं। नाउ किक बैक अगेन, हमें किक करना है, राइट लेग से किक करेंगे, लेफ्ट लेग से किक करेंगे, एंड पोस्चर को मेंटेन करके रखना है कम्प्लीटली, और फिर अब हमें अपने हाथों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। ट्राई टू टच योर फीट, पूरी तरह से टच करना दैट्स नॉट द मोटो, जस्ट आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरह से अपने हाथों को आगे लेकर के जाएं कि जैसे आप अपने फीट को टच कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कोर एंगेज हो गया है, पूरी स्टमक आपकी एंगेज हो गई है, आपके पूरे एब्स एंगेज हो गए हैं, आपके बटक्स का वर्कआउट हो ही रहा है ऑलरेडी, लेग्स का वर्कआउट हो रहा है, एंड इस तरह से आप हाथों को आगे लेकर के आ रहे हैं तो आपकी चेस्ट का वर्कआउट भी हो रहा है। सो इट इज़ बेसिकली अ फुल बॉडी वर्कआउट, ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस वर्कआउट। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी टू डू, एंड कम्प्लीटली आपकी फुल बॉडी का वर्कआउट यहाँ पर हो रहा है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम श्योर आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो गई होगी। बट रुकना नहीं है, कीप अ टॉवल विद यू एंड जस्ट स्वेट को पोंछ लीजिए, इफ़ यू नीड यू कैन गो एंड ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर, बट हाँ पानी का ग्लास पहले ही अपने आसपास में रखें ताकि ज़्यादा बीच में ब्रेक ना आए, हमें ब्रेक नहीं लेना है। इस वर्कआउट का मेन फोकस ये है कि आपको कंटिन्यूसली करना है, बीच में रुकना नहीं है, हमें अपनी हार्ट बीट को पूरे टाइम हाई रखना है। नाउ नीज़ अप करेंगे हम, एंड विद दैट सेड अपने दोनों हाथों को नीज के साइड में आपको लेकर के आना है। अगेन इससे क्या हो रहा है, नीज अप करने से आपका लोअर एब एंगेज हो रहा है, हाथों को इस तरह से जब आप लेकर के आ रहे हैं तो आपका कोर एंगेज हो गया है। एंड अब डबल नी लिफ्ट करना है, लाइक दो बार आप एक नी को लिफ्ट करेंगे, देन दो बार आप दूसरे नी को लिफ्ट करेंगे, इससे थोड़ा सा वर्कआउट इंटेंस हो जाता है। ट्राई टू डू दिस, हो जाएगा, इफ़ इन केस नहीं होता है डोंट वरी, सिंगल नी लिफ्ट आप करते जाएं। इन एनी केस रुकना नहीं है, जहां पर भी कोई भी मूवमेंट आपको डिफ़िकल्ट लगे, जहां पर भी ज़रा सी भी डिफ़िकल्टी आए आपको, वहां पर आप सिंपली अपना बैक टू वॉकिंग, एक ही जगह पर खड़े होकर वॉक करने लग जाएं, बट आई एम श्योर आपसे हो जाएगा। ट्राई एंड यू आर गोना सक्सीड, आज नहीं तो कल जब आप इस वर्कआउट को कर रहे होंगे आपसे डेफिनेटली होगा, एंड यू आर गोना एंजॉय दिस फॉर श्योर। नाउ बैक टू वॉकिंग गाइस, दिस इज़ सच एन ईजी वर्कआउट गाइज, इवन इफ अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तब भी आप इस वर्कआउट को बहुत ही आराम से कर सकते हैं, एंड इवन इफ आपकी एज ज़्यादा है तो भी आप इस वर्कआउट को आराम से कर सकते हैं। नाउ आपको क्या करना है, 1, 2, 3 एंड टैप, एक लेग को आगे लेकर के आइए, देन 1, 2, 3 देन एक दूसरी लेग को आगे लेकर के आइए। सो जो बेसिक वॉकिंग है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं, एक लेग को आगे की तरफ लाते हैं, देन 2-3 बार हम अपनी लेग्स को मूव करते हैं वॉकिंग वाले स्टाइल में। सो बेसिकली वे वॉकिंग ओनली, जस्ट एक बार एक लेग को आगे लेकर के आ रहे हैं, काइंड ऑफ चाचा चा, 1, 2, 3 चाचा चा, 1, 2, 3 चाचा चा, 1, 2, 3 चाचा चा, सो जस्ट लाइक दैट डांस स्टेप, दैट्स इट। तो इसको हमने करना है, एंड इसको आप अच्छे से स्पीड में करेंगे, यू गोना एंजॉय इट एज वेल बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ डांस मूवमेंट, एंड एट द सेम टाइम इससे बहुत ही अच्छे से कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं, आपकी वेस्ट का फैट इससे बर्न होता है। एंड नाउ बैक टू वॉकिंग, करते जाइए, रुकना नहीं है, नो मोर एक्सक्यूजेज, वर्कआउट रोजाना करना है गाइज।
Now side step करते हुए we are gonna add a clap. Every time you step aside, add a clap. जैसे ही हमारी लेग बाहर को निकल रही है, लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है, उस टाइम पे हमको क्लैप ऐड करना है. इवन यहाँ पर मेरा पोस्चर उतना ज़्यादा मैं अच्छा नहीं बोलूँगी, लाइक अच्छे से और ज़्यादा हाथों को वाइड ओपन मुझे खोलना चाहिए एंड देन क्लैप करना है. सो जस्ट डू दैट, अच्छे से पूरी तरह से अपने हाथों को खोलिए एंड देन ऐड अ क्लैप. इससे आपके चेस्ट का वर्कआउट हो जाएगा, आपकी बैक का वर्कआउट हो जाएगा, आपकी आर्म्स का वर्कआउट हो रहा है यहाँ पर, आपकी लेग्स का वर्कआउट हो रहा है, आपके एब्स का वर्कआउट हो रहा है, साइड्स का वर्कआउट हो रहा है, इन एनी केस आपका फुल बॉडी का वर्कआउट हो रहा है, आपका कार्डियो रूटीन हो रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से, फुल बॉडी से आप फैट को लूज कर रहे हैं इस टाइम पर. हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विद यू, जहाँ पर ज़रूरत लगे एक सिप वाटर आप बीच में पी सकते हैं एंड अपने साथ में एक टॉवल को रखिए ताकि जब भी स्वेटी फील हो तो आप थोड़ा सा अपने स्वेट को क्लीन कर सकते हैं. नाउ हम करेंगे लेग रेस, किक करेंगे हम एंड वाइल किकिंग हमें रीच करना है अपने पैर की तरफ में. जब भी हम अपनी पैर की तरफ रीच करेंगे हमारा कोर एंगेज हो जाएगा, सारे के सारे आपके मसल्स एंगेज हो जाएंगे एंड फुल बॉडी फिटनेस रूटीन अचीव हो जाएगी. दिस मूवमेंट सीम्स सिंपल, दिखने में आसान लगता है, एक्चुअली करने में भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट डेफिनेटली ट्रस्ट मी गाइज, पूरी की पूरी बॉडी के मसल्स को ये बहुत अच्छे से एंगेज करता है एंड आपको एक फुल बॉडी का वर्कआउट वाला इम्पैक्ट यहाँ पर रीच हो जाता है. दिस इज़ वन वर्कआउट जिसके साथ कीप अप करना इज़ वेरी वेरी ईजी, बिकॉज ये वर्कआउट उतना एक्सट्रीम लेवल पर डिफिकल्ट नहीं है. इट इज़ वेरी ईजी वर्कआउट एंड इतना आसान सा सिंपल सा वर्कआउट जो इफेक्टिव भी हो, रिजल्ट भी दे, वो करना बहुत आसान होता है, कंसिस्टेंसी बनानी बहुत आसान होती है. तो कुछ सिंपल करें बट करें ज़रूर एंड रोज़ाना करें, दैट्स वॉट मेक्स अस हेल्दी इन अ लॉन्ग रन. तो वर्कआउट को ज़रूर करते जाएं. वॉक, सिंपली वॉक, वॉक एट प्लेस. You don't even need a lot of space. कोई equipments नहीं चाहिए हैं आपको इस workout के लिए. Anyone can do this. Just nice walking shoes and that's it. बस आपको shoes पहनने हैं and you're good to go. Knee lift. Lift up your knee. अच्छे से knees को lift करें. दोनों हाथों की मदद से touch करें. And double knee lift यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन I'm gonna take it forward. हम करने वाले हैं 4 times knee lift को. So be ready for that. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And now you should be really, really proud of yourself. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो add a clap for you and you should really smile. Simply walk करना है, walk करते करते हाथों को आगे की तरफ ले करके जाना है and then पीछे ले करके आना है. That's a very very simple movement, but यहाँ पर आप अपनी walking को एक step forward लेकर के जा रहे हैं, आप अच्छे से calories burn कर रहे हैं, plus आप अपनी chest का बहुत अच्छे से workout कर रहे हैं. Now back to walking, simple walking guys, and then just अब थोड़ा सा मैंने pace को यहाँ पर बढ़ा दिया है. Simply हम यहाँ पर कर रहे हैं side step and we are gonna take it to skaters. हमें क्या करना है, अपने leg को side steps करते time पीछे की तरफ लेकर के जाना है. तो आपका जो पंजा है, टोज है बेसिकली, आपको उसको पीछे की तरफ टच करना है एंड वाइल दैट बॉडी में बैलेंस ऐड करने के लिए अपने आप से हाथ हमारे इस तरह से मूव करने लग जाते हैं. थोड़ा सा हाथों को हम ऐसे साथ के साथ में मूव करेंगे, जो लेग जा रही है उसको हाथों को उसके अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे. तो इससे हमारी वेस्ट के मसल्स जो हैं इन्वॉल्व हो गए हैं, ऑब्लिक्स के मसल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, हमारी वेस्ट की शेप यहाँ पर बहुत अच्छे से बनेगी, पूरी बॉडी का वर्कआउट बहुत अच्छे से हो रहा है इस टाइम पर. आप अपनी बॉडी को बैलेंस में रख पा रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम पर इंक्रीज हो रहा है. इट इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज. नाउ बैक टू वर्किंग. करते जाइए. अब हमें वापस से करना है लेग रेज, किक करना है एंड अपने हाथों को हमें लेकर के आना है अपने फीट के पास में, सो एज टू इन्वॉल्व ऑल द मसल्स.
बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से कीप अप कर रहे होंगे वर्कआउट के साथ में, बहुत अच्छे से कैलोरीज को बर्न कर रहे होंगे मेरे साथ में, एंड आई एम श्योर यू आर गोना एंजॉय दिस वर्कआउट. तो एंजॉय करते जाइए एंड वर्कआउट को करते जाइए, आप फिटनेस अचीव कर रहे हैं यहाँ पर. विद इन नो टाइम आपका बेली फैट चला जाएगा, आपका फुल बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जो है वो चला जाएगा. जस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर वर्कआउट, अपनी बॉडी को टाइम देना स्टार्ट कर दें. बैक टू वॉकिंग गाइस. यू नो व्हाट, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं एंड आई हैव आस्क्ड यू फॉर ओनली 20 मिनट्स टुडे, सिर्फ 20 मिनट. अब आपको अपनी नीज को आगे की तरफ जैसे हमने लिफ्ट करा था, अब हम उसी तरह से हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करने वाले हैं, हम यहाँ पर पीछे की तरफ किक बैक करने वाले हैं. सो बेसिकली इट्स जस्ट किक बैक, आप अपने बटक्स तक अपने किक करते हैं, लाइक पहले राइट लेग को करेंगे देन आप लेफ्ट को करेंगे, हाथों को आगे की तरफ ले आइए देन पुल बैक. जब भी आप पीछे की तरफ किक कर रहे हैं उसी टाइम पर हाथों को आप पुल बैक करेंगे, सो इट इज़ गोना एंगेज ऑल द मसल्स ऑफ योर बॉडी एंड यू गोना गिव अ रियली नाइस वर्कआउट टू योर बॉडी विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. इससे आप बहुत सारी कैलोरीज अच्छे से बर्न कर रहे हैं, आपका फिटनेस का लेवल बहुत अच्छे से अचीव हो रहा है. कीप ऑन वर्किंग आउट गाइज, वी आर लाइक जस्ट देयर ऑलमोस्ट डन एंड कूल डाउन करना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. बैक टू वॉकिंग, बिल्कुल स्लो हो जाइए, बिल्कुल आराम आराम से इस टाइम पर आप वॉक करें. ब्रीद इन ब्रीद आउट, साइड स्टेप्स बिल्कुल स्लोली स्लोली हम करेंगे जस्ट द वे वी स्टार्टेड एंड साइड स्टेप्स करेंगे. कुछ लोगों को कूल डाउन करने में बहुत ईजी होता है, फटाक से हो जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, दैट्स टोटली फाइन. एकदम से ब्रीदिंग को हमें धीरे धीरे लोअर करना है, हमें नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस में आना है एंड ड्यूरिंग द होल एक्सरसाइज मेक श्योर दैट यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट प्रॉपरली. एंड अब धीरे धीरे हम करेंगे लेग को रेस, लाइक किक कर रहे हैं हम साइड में, वेरी स्लोली, बी वेरी जेंटल. आराम आराम से हम वर्कआउट को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर. बैक टू वॉकिंग, बिल्कुल धीरे धीरे हम वॉकिंग करेंगे. आप चाहें तो 4-5 मिनट के लिए इस तरह से वॉकिंग कर सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे. नाउ नी लिफ्ट्स टू एंड लाइक दिस, बिल्कुल आराम आराम से नी लिफ्ट्स को हम कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी स्लोली वेरी जेंटली, आपकी बॉडी ताकि प्रिपेयर हो जाए रेस्ट के लिए एंड जो आपने वर्कआउट अभी किया है उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए सारे के सारे मसल्स. जस्ट बैक टू वॉकिंग एंड अब हमें इस तरह से एंड करना है, हम अपने एड़ी को आगे की तरफ लगाएंगे. इससे क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलती है, लेग्स अच्छे से हमारे यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगी, फुल बॉडी हमारी यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगी. हो सकता है फर्स्ट टाइम वर्कआउट किया है तो आज आपको सारा दिन थोड़ा बॉडी पेन रहे, तो इट डजेंट मीन कि आपको वर्कआउट करना नहीं है, नेक्स्ट डे ज़रूर आइएगा सेम वर्कआउट करने, जिससे क्या होगा कि आपका बॉडी पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड आपको आदत पड़ जाएगी अच्छे से रोज़ाना वर्कआउट करने की. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वर्कआउट टुडे.